तस्मै श्री गुरुवे। कुछ मैं सुन रहा था तो वो शेयर करूंगा। एक जब अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण को भगवद गीता में कि वो मनुष्य चाहता हुआ नहीं चाहता है, फिर भी वह वशीभूत हो जाता है और भक्ति के बाद से इस आत्मसाक्षात्कार के बाद से वो भटक जाता है, वो क्या चीज है जिसके कारण से वो भटकता है, किस कारण से? तो भगवान बोलते हैं कि वो काम जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का, और जब तक ये काम रहेगा तब तक मनुष्य उस भक्ति के मार्ग पे या फिर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब ये जो काम है उसका हमारे जो बहुत ही साधारण जो हम सोच है वो क्या है कि स्त्री पुरुष के बीच का संबंध है, उसको स्त्री के प्रति आकर्षण या पुरुष के प्रति आकर्षण, उसको काम मानते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत हमको सबको पता है, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी लीलाओं के ऊपर, उनके पार्षदों के ऊपर लीलाओं पे, तो उसमें बताते हैं कि कोई भी इच्छा जो भगवान कृष्ण से दूर ले जाए, जिसमें भगवान कृष्ण केंद्र में न हो, वो सारी इच्छाएं काम कहलाती है। चाहे उसमें आपकी प्रशंसा की इच्छा हो, चाहे आपको धन कमाने की इच्छा हो, चाहे बड़ा घर की इच्छा हो, वो सारी इच्छाएं जिसमें कृष्ण केंद्र में नहीं है वो सारी काम है। ये काम की असली परिभाषा है। बहुत ही साधारण परिभाषा हम मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है उसको काम मानते हैं, लेकिन ये जो काम है वो उसको बड़ा विस्तृत रूप है। तो हमें उसमें बोलते हैं कि बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। किस प्रकार से अलर्ट? बहुत ही सावधान रहना पड़ता है कि हमारी कौन सी इच्छाएं हमारे कृष्ण को केंद्र में रखते हुए हैं और कौन सी इच्छाएं हमारे खुद की भोग प्रवृत्ति के लिए। तो जो जो भी इच्छाएं हैं हमारी भोग प्रवृत्ति के लिए उसको हमें ना कहना सीखना पड़ेगा। बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में, गोस्वामी और गोदास। गोस्वामी कौन है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर रखा है। और गोदास कौन है? जो कि अपने इंद्रियों के वशीभूत है। और ऐसा नहीं है कि ये जो काम क्रोध मद मोह मत्सर ये चीजें हैं और इंद्रियां, ये गो स्वामी लोगों पे आक्रमण नहीं करती है, लेकिन ये गोस्वामी कौन होते हैं? जो इनको ना बोल सकते हैं। कुछ भी इच्छा होती है उसको बोल सकते हैं कि नहीं, इसको हमें भोगना नहीं है, इसमें आगे नहीं बढ़ना है, उस चीज को तुरंत से शुरुआत में ही रोक देना है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में कि ये जो जो इच्छाएं हैं इसको शुरुआत में ही रोकना होता है, क्योंकि तो जब इच्छाएं आती है तब उसके ऊपर मनन और चिंतन शुरू हो जाता है, और जब मनन और चिंतन शुरू होता है तब हम क्या करते हैं अंत में, उसको प्रैक्टिकल रूप में आपको अप्लाई करते हैं और तब हमारा पतन होता है। तो उसको रोकने के लिए शुरुआत के स्तर पे ही रोकना है। तो गोस्वामी लोगों का कैसा है कि एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगाते हैं। वो गोस्वामी आप भी हो सकते हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, लेकिन गृहस्थ भी गोस्वामी हो सकते हैं अगर वो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रख पा रहे और सारी जो क्रियाएं हैं दिन भर की 24 घंटे क्रियाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए हम कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? तब हमारा जो जप है वह भी बहुत ही सुंदर हो पाएगा, क्योंकि जब कृष्ण ही हमारे पूरे जीवन के केंद्र होंगे तो हमारा ध्यान जो है कम से कम भटकेगा और अधिक से अधिक हम सेवा के बारे में ही सोचेंगे कि भगवान कृष्ण को किस प्रकार से अच्छे से सेवा कर पाए।
हरे कृष्ण। प्रभु जी